लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के शिमोगा में मुस्लिमों के घरों पर हमला हुआ है दोस्तों। ये हमला संघियों ने किया है, जिसमें बीजेपी नेता की संलिप्तता भी देखी जा रही है। कर्नाटक मुस्लिमों के दमन का एकमात्र राज्य बन चुका है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों पर हो रहे इस अत्याचार पर खामोश बैठी है, और खामोश रहकर इन मामलों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसी बढ़ावे के कारण शिमोगा में 5 मुस्लिम परिवारों के घरों पर हमला हुआ है दोस्तों। ये हमला बहुत भयावह है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक से जुड़ी पल पल की अपडेट देने वाले पत्रकार शाद बाजपेयी ने शिमोगा से जुड़ी एक बड़ी खबर जारी की है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। स्क्रीन पर आपको मैं शाद बाजपेयी का ट्वीट दिखा रही हूँ, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट के मुताबिक शिमोगा में एक निजी मामला सांप्रदायिक हो गया, या यूं कह लीजिए कि इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया। शुक्रवार रात 10 बजे शिमोगा के इंदिरा नगर में संघ परिवार के नेतृत्व में भीड़ ने 5 से ज्यादा मुस्लिम घरों, वाहनों और एक महिला और उसके पति पर हमला किया। उन्होंने इस ट्वीट को शेयर करते हुए, शाद बाजपेयी ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है दोस्तों। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि मुस्लिम परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई है, घरों के बाहर तोड़फोड़ की गई है। आपको सबसे पहले ये वीडियो मैं दिखा देती हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि संघियों की फौज कितनी तादाद में आई होगी। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन घरों पर हमला हुआ है उन्हें छोटे छोटे उनमें बच्चे रहते हैं। जैसा शाद बाजपेयी ने कहा कि इस हमले में वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। आपको मैं शाद बाजपेयी का दूसरा ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रही हूं दोस्तों, वो ट्वीट भी आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हमला करने वाले लोग पास के गांव मत्तूर के थे और उनके परिचित थे जिन पर हमला हुआ है। भीड़ 200 से ऊपर बताई जा रही है, और एक अन्य सूत्र का कहना है कि गुंडे 10 से 12 थे, बाइक में आए थे। तो आप ये देखिए कि आपसी झगड़े के मामले को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर बड़ा सांप्रदायिकरण का मुद्दा बनाया गया। 200 लोगों की भीड़ कम नहीं होती है दोस्तों, वहीं 10 से 15 लोग बाइक पर आए थे। इससे आपको क्या समझ में आता है? इन गुंडों को मारपीट के लिए बुलाया गया था, खुद से नहीं आए थे। ये ट्वीट करने के साथ साथ तोड़फोड़ से हुए नुकसान की जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की है शाद बाजपेयी ने, वो भी इस वक्त एक एक करके आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया, घर के शीशे फोड़ दिए गए। सोचिए, घर में एक बच्चे की साइकिल है, उसे से समझा जा सकता है कि घर में बच्चे भी रहते होंगे। तो आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि भीड़ कितनी उत्तेजित होगी और किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। अब आपको बता दूं कि अपने तीसरे ट्वीट में शाद बाजपेयी ने कहा वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से भाजपा के नेतृत्व में हिंसा भड़कती है। शाद बाजपेयी का तीसरा ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि कहा जा रहा है कि ये घटना तब हुई जब भाजपा नेता और कुछ मुस्लिम युवकों के बीच व्यक्तिगत मामले को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद जो झड़प है ये दोनों तरफ से भीड़ जमा हो गई। झड़प जो है बहुत ज्यादा हिंसा में तब्दील हो गई, भीड़ जमा हो गई, पुलिस ने बीच बचाव किया, दोनों को वापस भेज दिया गया, लेकिन संघ परिवार की लौट रही भीड़ ने मुस्लिम घरों पर हमला बोल दिया। यहां इस तीसरे ट्वीट के साथ जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की है, उन तस्वीरों को भी ध्यान से देखिए दोस्तों। एक एक करके वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, किस तरीके से संघियों ने तबाही मचाई है वो आप देखिए। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है जो कर्नाटक से निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, जनरली सोशल मीडिया के हवाले से आई इन खबरों को किसी मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया गया, जबकि सोशल मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो छोटी से छोटी खबरें भी और बोकस से बोकस खबर को हमारा गोदी मीडिया दिन रात दिखाता है। लेकिन यहां क्योंकि बीजेपी नेता का मामला है, वहीं संघियों की करतूतें निकलकर सामने आई है, इसलिए इस घर को पूरी तरीके से इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया। ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई गई, यही कारण है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
क्योंकि न सिर्फ मुस्लिमों के घरों पर हमला हुआ है बल्कि उनके बच्चों, उनके परिवारों, महिलाओं तक पर हमला हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर हेट वॉच कर्नाटक का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। इस ट्वीट में बहुत ही डिटेल के साथ, आप कह सकते हैं डिटेल्ड फॉर्मेट में मामले की पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन पर आपको मैं हेट वॉच कर्नाटक का ट्वीट दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट के मुताबिक हॉस्पिटल से लौट रहे मुस्लिम दंपत्ति पर हमला हुआ है। उनको तो पीट पीट कर इस कदर घायल किया गया है कि वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वो तस्वीर भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें पुलिस मुस्लिम परिवार से पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर हुआ क्या था, पूरी घटना क्या थी, जब वो लौट रहे थे तो पूरा वाक्य क्या था। हेट वॉच कर्नाटक ने TV9 से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है दोस्तों, जिसमें मुस्लिम महिला बताती हुई दिखाई दे रही है कि उस दिन हुआ क्या था, उस दिन असल में क्या घटना घटी थी। अब ये वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुस्लिम महिला ने बयान कन्नड़ भाषा में दिया है, तो हो सकता है आप में से कई लोग समझ ना पाए, लेकिन उसने जो कहा है वो मैं आपको मुंह जुबानी बता देती हूँ। उसका जो हिंदी अनुवाद है मैं आपको वो बता देती हूँ दोस्तों। इस महिला ने कहा कि हम करीब 10 बजे खाना खाकर बैठे थे, हम घर पर थे, पुरुष जो है हमारे घर के वो काम पर गए हुए थे। इंदिरा नगर या सुलेबेल में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। लगभग 20 से 25 बाइक सवार लड़कों ने पथराव किया और डंडों से मारा, घरों पर पथराव किया। इसके बाद उन्होंने घरों और बाइक में आग लगा दी। वो लोग कह रहे थे कि यहां महिलाएं हैं, आग लगाओ और उनको बाहर लाओ। उन्होंने घरों के ऊपर पथराव किया। हमारा पड़ोसी शादी का निमंत्रण बांटने के लिए गया था, वापस आ रहा था तो मारपीट की, बच्चों को पीटा गया, पिता बूढ़े हैं, इन लोगों ने उन्हें भी पीटा, उन्होंने ऑटो रिक्शा को तोड़ दिया, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। यहाँ कई दुर्घटनाएं होती है साहब, ब्राह्मण घायल हो जाते हैं, यहाँ 4-5 घर है, हम दिन का समय देखे बिना मदद के लिए बाहर आते हैं। वो ये कहना चाह रही थी कि ब्राह्मणों की मदद के लिए हम बाहर आते हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, हम उनकी चोटों का जरूरत के मुताबिक इलाज करते हैं, हम उनके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जाता, हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने हमला किया उनके बारे में वो बताती हुई कहती है कि उन्होंने धोती पहनी हुई थी और ये वही है जो लोगों को पीट रहे थे। हमारे पास घटना को रिकॉर्ड करने का समय नहीं था, उनका शीशा टूट गया है, हमें डर था कि अगर हम वापस बिस्तर पर गए तो वो पत्थर फेंक देंगे, मर्द घर पर नहीं होते, हम बाहर आ सकते थे, लेकिन अगर हमें पीटते तो क्या होता, पुरुष कुली काम पर जाते हैं, मतलब जो अपने उनके घर के लोग हैं, जो उनके घर के आदमी हैं, वो कुली का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक हमला हुआ है, एक के बाद एक घरों पर हमला हुआ है, लोगों को पीटा गया है, मुस्लिम बच्चों को मारा गया है, इसे हैवानियत नहीं तो क्या कहा जाएगा। अगर अभी भी पुलिस संज्ञान नहीं लेती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिमों पर यह हमला जानबूझकर करवाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा हमला संयोग तो नहीं हो सकता है, ये प्रयोग था निश्चित तौर पर, जो भाजपा नेता और संघियों की कन्नियों को बिल्कुल साफ तौर पर बयां कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री बोमई साहब से यही गुजारिश है कि जिस तरीके से दूसरे मामलों पर संज्ञान लेते हैं, इस मामले पर संज्ञान लेने का भी थोड़ा समय निकाल लें। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।